सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन में तीन मंत्र हमेशा याद रखो। पहला, आनंद में वचन मत दीजिए। दूसरा, क्रोध में उत्तर मत दीजिए। और तीसरा, दुख में निर्णय मत लीजिए। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं। भगवान क्या कहेंगे, क्या इसका कभी विचार किया? जिस दिन आप बुरे विचारों के ऊपर अच्छे विचारों को रख देंगे, जिंदगी खुद ब खुद और बेहतरीन हो जाएगी। आज का पंचांग 28 दिसंबर 2021 दिन मंगलवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि, शाम 6:09 तक रहेगी। इसके उपरांत 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्रा नामक नक्षत्र सुबह 4:11 तक रहेगी। इसके उपरांत स्वाति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:07 से 4:26 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:07 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर शाम 4:44 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगे। तुला राशि 28 दिसंबर 2021 दिन मंगलवार, अपने कैमरे को बाहर निकालने क्योंकि आप किसी प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जगह जा सकते हैं। नए अवसर आपके इंतजार कर रहे हैं। अपने परिवार के सदस्यों की बात सुनें, उन्हें आपकी सहायता की जरूरत हो सकती है। अपने रचनात्मक पक्ष को बाहर लाएं और गैलरी जाएं या कोई शो देखें। अपने क्षितिज का विस्तार और नए लोगों के साथ बातचीत आपके सफल होने का एक मौका है। लोगों से सामाजिक और भावनात्मक रूप से बात करें। याद रखें कि यह सब मनुष्य के नैतिक और बौद्धिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अतीत पर ध्यान मत दो, अपने मन को वर्तमान पल में केंद्रित करो। आपको आगे बढ़ने से बहुत से अवसर मिलेंगे, लेकिन उन सबको हासिल करने के जल्दी में ना रहें। अपने सभी विकल्पों को ध्यान से सोच समझकर ही आगे बढ़ें। अपने दोस्तों के साथ भी बांटें। यह ऐसा समय होगा जब आपको कई प्रयास करने होंगे। सब कुछ भाग्य पर ना छोड़ें, आपके कार्य ही आपके भाग्य का निर्माण करेंगे। इस समय आर्थिक पक्ष पहले से और मजबूत रहेगा। कुछ समय से चल रही चिंताओं से भी राहत मिलेगी। जो काम पिछले काफी समय से रुका हुआ या अटका हुआ था, उसे पूरा करने का उचित समय है। पैसों से संबंधित किए गए लेन देन आपको फायदा दिलाएंगे। आपको प्राप्त हुए फायदे से परिवार के किसी व्यक्ति की पैसों से संबंधित चिंता दूर हो सकती है। फिलहाल आपको आपके कामों के अनुसार ही फल मिल रहा है, इसलिए अपनी इस एक काम पर और विचारों पर बारीकी से ध्यान रखें। कंस्ट्रक्शन और स्टॉक मार्केट से जुड़े लोगों को निर्णय लेते समय सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। पार्टनर एक दूसरे को की गई मदद जानने की कोशिश बिल्कुल ना करें। गले की खराश और खांसी से संबंधित तकलीफ महसूस होगी। किसी खास व्यक्ति की ओर से काम का प्रस्ताव आ सकता है। कोई अटका हुआ महत्वपूर्ण काम पूरा कर सकते हैं, जो इसके अधिकता में नियंत्रण नहीं खोना है। प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। आउटसोर्सिंग पर चिकित्सा संबंधित काम करने वाले के लिए काम की अधिकता भी रह सकती है। मानसिक उच्चटान रह सकता है। विदेश सेवा के राजपत्रित अधिकारियों के लिए समय कृपालु सिद्ध हो सकता है। यात्रा की योजना बन सकती है। एकाग्रता शांत दे सकती है। फार्म कंपनियों के लिए अधिक अनुकूलता रह सकती है। खिलौनों के कारोबारियों को बड़ी कार्य योजना बना सकते हैं। उत्साह बढ़ा चढ़ा भी रह सकता है। प्रयास सेवाओं के कर्मचारियों के लिए समय ठीक है। केवल सेवा संचालकों को काम की अधिकता रह सकती है। पसलियों का दर्द भी रह सकता है। सावधानियां, कुछ नजदीकी लोगों की जलन की भावना से आपका अहित करने की कोशिश करेंगे, परंतु ऐसे लोगों की परवाह ना करें तथा दूरी बनाकर रखें। आवेश और क्रोध पर काबू रखना जरूरी है। कई बार जल्दबाजी व अतीत उत्साह में बना बनाया खेल बिगाड़ भी सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा, परंतु प्रेम संबंध
अपयश या बदनामी का कारण बन सकती हैं, इसलिए सावधान रहें। आप और आपके साथी हाल ही में काफी व्यस्त थे, इसीलिए आज एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए प्रयत्न करें। रात्रिकालीन भोजन करने किसी अच्छी जगह जाएं, जहां आपका साथी आपकी ओर आकर्षित हो सके। प्रशंसा की भाव गंभीरता आपके रिश्ते को और आगे लेकर जाएगी। एकल व्यक्तियों के लिए भी किसी के साथ बाहर जाना महत्वपूर्ण होगा, जो उन्हें इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करेगा। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से विशेष मुलाकात की संभावना है, बस इस अवसर का पूरा फायदा उठाएं। धन के घाटे से बचने के लिए सोच समझ कर व्यय करें। आपका आज का व्यस्त कार्यक्रम आपको अपने पार्टनर से दूर रखेगा, लेकिन एक कार्ड या आई लव यू का छोटा मैसेज भेज के आप अपने प्यार को व्यक्त कर सकते हैं। अपने दोस्तों की संख्या को बढ़ाएं और नए लोगों से बातचीत करें। बात करते हैं करियर की। व्यवसाय में कुछ नए अनुबंध हासिल होगी जो कि फायदेमंद साबित होंगे। नौकरी में हल्की फुल्की परेशानियां आएगी, परंतु बुद्धिमत्ता व विवेक से आप सभी परेशानियों का हल शांतिपूर्ण तरीके से निकाल लेंगी। आप ऐसे लोगों को खोजने की कोशिश करें जो आपके लिए कुछ उपयोगी जानकारी की आपूर्ति कर सकते हैं। आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं और इस जोखिम को लेने के लिए यह सही समय है। महत्वहीन मुद्दों के हल के लिए अपने समय की बचत करें। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाएं, अर्थात आमदनी के हिसाब से धन का व्यय करें। यदि संभव हो तो अपनी सफलता का जश्न मनाने का इरादा स्थगित कर दें। घरेलू मामलों जैसे टूटी हुई खिड़कियां या लीक नल को ठीक करने के लिए आपको धन की आवश्यकता भी पड़ सकती है। आज आप असंतोष की भावना महसूस कर सकती हैं। ऐसे में अपने सहकार्यकर्ता या जीवन साथी से बातचीत करें। फायदे के लिए स्वयं को और अपनी तौर तरीकों को बदलें। आज हठी ना बने और बोलने से पहले एक बार जरूर सोचें। अपने क्षितिज का विस्तार करने और नई चीजों पर विचार करके सफलता हासिल करने का यह अच्छा समय है। लोगों से मिलते जुलते समय खुद के प्रति ईमानदार रहें। लोग आपको आपके बारे में वो सिखा सकते हैं जो आप खुद के बारे में नहीं जानते। बिजनेस में चुनौतीपूर्ण स्थिति भी रह सकती है। किसी भी मुश्किल स्थिति में अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपको नकारात्मक परिस्थितियों से निकालने में भी मदद करेगी। बिजनेस संबंधित कोई नया प्रयोग सफल रहेगा। बात करते हैं सेहत की। मौसमी बीमारियों से सतर्क रहें। अपनी आदतों व दिनचर्या को एकदम सुव्यवस्थित रखें। अब समय आ गया है कि अच्छे खान पान का मतलब समझें। आप कई छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं जिनका आपको भोजन में कोई संबंध नहीं लगता, लेकिन वास्तव में ये भोजन के गलत तरीकों से ही जुड़ी हुई है। अच्छा, आपको यह समझने की जरूरत है कि आपके लिए अपने सामान्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के एकमात्र रास्ता खान पान में सुधार ही है। इससे आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सुधार आएगा। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी को गुड़ का भोग लगाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।